अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। यहाँ पे जो है हमारे गांव से आ गए मटर में छोले, हरे छोले आए थे। अमीन थी जिसकी वजह से वहाँ से जो भी आ रहा था कुछ ना कुछ लेके आ रहा था, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो अपने पंजाब के कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर उनके शायद अपने हैं तो वो तोड़ के लेके आए थे। मैंने फिर काफ़ी सारे थे बाँट दिया ताकि ना जो ख़राब ना हो जल्दी। ये कल अभी पहुँचे हैं, मतलब उन्होंने अभी हमें दिया है। तो ये वो है, यहाँ पे जो है रेसिपी की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे ये भी सोहंजड़ा आया था पंजाब से, तो फ़ौरन धो के मैंने साफ़ करके चढ़ा दिया था। इसमें काफ़ी मेहनत होती है साफ़ करने में, साफ़ नहीं था तो साफ़ करना पड़ा। तो ये हो गया। यहाँ पर आया है देसी घी, ये भी वहीं से आया है। तो तकरीबन ये 2 kg के करीब होगा। ये वो आया था इतना साफ़ सुथरा, देव जी में लेके आए थे। ये बलूचिस्तान से आया था मेरे ख्याल में, हाँ बलूचिस्तान से आया था। तो ये वो है, ये सोजना साफ़ किया तो उसके पत्ते लगे। तो ये है अभी, तो चले शुरू करते हैं हम रेसिपी बनाना। अच्छा, कल का बता रही थी कि फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा हुआ। वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकती, अलाउ बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ जो है मोबाइल लेके जाना भी मना होता है, चेकिंग के लिए बैठी होती हैं लड़कियाँ, तो जिसकी वजह से मैं खुद घर से नहीं लेके गई और शूट भी नहीं कर पाए। फिर काफ़ी देर से आए थे, असर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से आए थे, तो वहाँ से खाना बच गया था। उन लोगों ने खाना भी भिजवा दिया था, जैसे खाए और फ़ौरन सो गए क्योंकि बहुत थके हुए थे, काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी। तो मेहंदी भी लगवाई थी तो थकावट की वजह से सो गए थे, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। कल मेहमान भी थे घर में, तो फिर उनकी वीडियो भी नहीं बनानी थी वैसे, तो मैंने कहा चलो ठीक है कल सुबह देख लेंगे। अभी फ्रेश उठ गए थे सुबह, तो नाश्ता बनाया, उनको भेजा, वो चले गए अपने अपने, कोई रिश्तेदारों में चले गए, कोई वापस घूमने चले गए हैं कोई, तो इस तरह मैं नहीं जा पाई। तो मैंने कहा चलो घर में तैयारी कर लूँ, जो उनको आज जाना है पंजाब तो उनके लिए खाना वगैरह बनाएँगे, उनको खिलाएँगे। तो वैसे ढेर सारा बनता है, काफ़ी सारा बनता है खाना, तो जो नहीं खाते परहेज खाते हैं तो उनके लिए मैं घर में बनाऊंगी। ये था हमारा, जी यहाँ पे ये मिठाई आई थी पंजाब से, काफ़ी सारी मिठाई, उनके ढेर लग गए थे। अब आप लोगों को वो भी दिखाया था, दूसरा सामान ये भी था। और यहाँ पे भी ये काफ़ी मशहूर मिठाई है इजाज़ वालों की, बहुत ही ज़बरदस्त आती है। सर्दियों में तिल शक्री जिसको कहते हैं, बहुत ही इनकी फेमस है, बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी आती है हमारे यहाँ। गिफ्ट तोहफे तहफ के तौर पे देना पड़ता है हमें, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें ये दें, तो उनके लिए भी लेना पड़ता है। यहाँ पर ये भी आ गए हैं, इसी तरह रमज़ान पूरा इसी तरह मिठाइयाँ आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो बाकी जो है फ्रूट का टोकरा भी आया था, वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को। सबसे पहले आया तो वो पहले उसकी वीडियो है, वो भी इसमें डाल दूंगे जी। सबसे पहले जो है ये फ्रूट्स का जो है बड़ा सा टोकरा आया था, बहुत फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्रूट्स है। ये भी बच्चों के लिए थे, हमारे यहाँ तो बस गिफ्ट जो थे थोड़ा डिफरेंट थे, कोई मिठाई लेके आ रहा था तो कोई फ्रूट्स लेके आता था। कैश भी मिला काफ़ी सारा इनको, बच्चियों को बस दुआ करना अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। कमेंट करके आमीन ज़रूर कहना है, सब बच्चियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। तो ये जो था बहुत बड़ा टोकरा था, मेहमान भी आए होते, 2-3 दिन आराम से चला था हमारा ये, तो बस इसको ख़त्म करना पड़ा ज़बरदस्ती करके। तो बाकी कीनू भी आए थे पंजाब से, बहुत ही फ्रेश कीनू थे, उन्हें दिखा पाई। तो ये यहाँ का था, कराची का था, ये जो फ्रूट थे ये भी बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मौसम अच्छा चल रहा है ना, तो फ्रूट्स भी अच्छे आ रहे थे। तो ये थे,